क्या आप भी अपने स्टूडियो को ऐसे से ऐसा बनाना चाहते हैं? सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। सो गाइस, इस वीडियो का आपको काफी टाइम से इंतजार था, सो फाइनली हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है गाइस, हम ये वीडियो क्यों नहीं शूट कर पा रहे थे। और अगर आपको नहीं पता तो हमारी पिछले वाली वीडियो जाके आप प्लीज देख लो। यस, पिछले वाली, और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उससे ऊपर आई कार्ड में आ जाएगा। ठीक है, हम डाल देंगे और बेसिक प्रीवियस वीडियो और सब हम डाल ही देते हैं। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर 1.2K व्यूज ऑन ईटिंग चॉकलेट, 24 आवर ईटिंग चॉकलेट चैलेंज जो कि इसने किया था। थैंक यू सो मच। एक आपसे रिक्वेस्ट कि जब भी आप हमारे चैनल पे आओ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको जाके प्लीज 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 क्लिक कर दो। उससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, एकदम फ्री, एकदम फ्री, पैसा और उसके पास में एक बेल आइकन भी होगा, सो उसको भी प्रेस जरूर कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, अभी हमारे रूम के बाहर खड़े हैं। ये हमारा बाहर का एरिया है, क्योंकि हमारा रूम थोड़ी स्टेयर्स से ऊपर आके फिर है, फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट छोटा सा रूम है जो कि स्टोर रूम था। ठीक है, सो उसके लिए आप अभी जो मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ, सो फोटोज देख लो। ठीक है, उसके बाद आते हैं। सो वेलकम बैक। सो अब हम जा रहे हैं, तो देखा था ना आपने कैसा रूम था, अब देखना कैसा रूम हो गया। खराब सा रूम था पहले वाला, स्टोर रूम था एक्चुअली, ये स्टोर रूम था। यहाँ पे एक्चुअली डैडी की सारी मेडिसिंस और वो सब रहती थी, तो अब हम यहाँ पे फिर प्रॉपर हमने वहाँ रूम बना दिया, हमारा स्टूडियो बना लिया है। सो गाइस, पहले आप जाके बी रोल्स एंजॉय करो, उसके बाद फिर हम सारी चीजें बात करते हैं। ठीक है, बाय। और यहाँ पे कार्ड्स है जो ऐसे पड़ी हुई थी, बट यहाँ पे अच्छी लग रही है। बाकी ये हमारा है लैम्प, बाकी यहाँ पे हमारे गणपति बाप्पा है
और वहाँ बुक्स है, बुक है। और अब यहाँ पे आती है एक चेयर, ये चेयर यहाँ पे रखी हुई है। जब भी भैया को कोई शूट करना होता है तो वो इस एरिया पे होता है, लाइक दिस। यहाँ पे चेयर आती है एंड यहाँ पे ये इंडोर शूट होता है। और अगर आपको इंडोर शूट करवाना हो तो भैया की आईडी पे जाके, यहाँ पे आपको आईडी कहीं दिख जाएगी, उस पे जा जाइए और भैया को एक तो फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे बायो में इसके सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो या और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है तो कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके गाइस, अब यहाँ पे हमने रखा हुआ है हमारा ट्राईपॉड, क्योंकि इसको रखने की कहीं और जगह नहीं है। एक ऊपर है, इसको यहाँ रख रखा है। सो ये वाला ट्राईपॉड के बारे में हमने आपको बता दिया था हमारी कोई एक वीडियो में, आई थिंक। सो क्या ये काफी अच्छा है। उसके बाद आते हैं हम इस एरिया में। सो इस एरिया में लगी हुई है भैया की सारी फोटोज, इसको यहाँ लगाया है सो ताकि ये वाला एरिया थोड़ा सा उभर के समझ रहा। और ये नए कर्टन्स भी लिए थे हमने रिसेंटली, पहले वाले थोड़े से खराब हो चुके थे क्योंकि वो बहुत पुराने थे। सो यार हमने नई खरीदे हैं। बाकी ऊपर लगी हुई है लाइट्स, जो जल क्यों नहीं रही है, सॉरी प्लीज कट। सो गाइस उसके बाद आते हैं हम इस एरिया पे। सबसे पहले प्लीज इग्नोर दैट टेडी, अगर मैं आपको उसके आना दिखाऊंगी ना आप रोने लग जाओगे। ये हरकतें भैया ने करी है तो प्लीज इग्नोर, इसलिए हमें इसको ऐसे उल्टा करके लगा है, काफी क्यूट लग रहा था ऐसे। बाकी हाँ, तो मेन आता है ये हमारा है सोफा कम बेड। सो यहाँ पे अगर कोई भी थक जाता है हम दोनों में से, देखो मोस्टली भैया ही ऊपर काम करता है सारी उसके फोटो एडिटिंग और सब, मैं यूजुअली अपने रूम में ही करती हूँ। बट या अगर वो थक जाता है तो यहाँ पे रेस्ट कर सकता है। यहाँ पे ब्लैंकेट है, यहाँ पिलोज रखे हैं। या अब उसके बाद आते हैं यह का लैपटॉप बैग, जिसको हमने यहाँ पे हैंग किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सही लग रहा था, इसकी यहाँ पे जगह अच्छी थी। ओके उसके बाद आते हैं इस वाले पे, यहाँ पे भी हनीबा की कुछ अच्छे 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 अच्छी फोटोज हैं। और ये पहले मेरे रूम में था गाइस, तो इसको हम यहाँ पे ले आए क्लिप बोर्ड। ओके बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है तनिष फोटोग्राफी, उससे आपको पता चल ही गया होगा। अब आते हैं इस एरिया पे। सो ये हमारी शेल्फ और यहाँ पे नीचे वाले शेल्फ में हमारा रखा हुआ है हीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इन विंटर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिसेंटली हमने लिया है एंड या ये काफी अच्छा काम कर रहा है गाइस, एकदम गर्म कर देता है। उसके बाद आता है इधर, तो भैया ने रखा हुआ कैमरा बैग, जो सबसे पहला कैमरा बैग था। ओके और उसके बाद यहाँ पे हैं कुछ पिंस, तो जो इस वाले बोर्ड के लिए जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ है कार्ड्स, अगर बोर्ड जाते हैं तो हम यही हरकतें करते हैं, कार्ड्स के अंदर रहते हैं, वहाँ पर काम ही नहीं है। बाकी पीछे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गाइस इग्नोर। यहाँ है भैया की बुक्स, भैया ऊपर पढ़ता है, ऊपर ही सब कुछ करता है तो बुक्स भी यही है। बाकी ये है भैया की फोटोज का फोल्डर। ऊपर आते हैं वापस बुक्स। इधर वो हीटर का डब्बा पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा है वो पता नहीं। बाकी उधर है निकॉन का सारी चीजें उसके अंदर। so, ये मेरा निकॉन का DSLR का बॉक्स है जो कि जिससे शूट कर रहे हैं राइट। ऊपर चलते हैं, ऊपर उसके ट्राईपॉड का एक वो रखा हुआ है अपना बॉक्स, और मेरा जो कीबोर्ड, जो मैंने गेमिंग कीबोर्ड और माउस लिया था, हाँ उसका भी होगा, मुझे दिख ही नहीं रहा इतना ऊपर है। ओके इसके बाद से आपको भैया बताएगा, तो स्विच। सो गाइस आ चुके हैं, ठीक है। सो आपको मैं अब इस जो ये जो आपको इतना अच्छा सा दिख रहा है इस एरिया का मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो सबसे पहले हम देखते हैं इस टेबल को, ठीक है, जो कि फुल्ली कस्टमाइज है, जो कि हमने बनवाई थी। सो ये पूरा जो पूरी टेबल है, और यहाँ पर अगर आप इस साइड देख रहे हैं तो ये जो तीन शेल्स हैं ये भी हमने पूरा कस्टमाइज करवाया है। और अब आते हैं इस बार पे, हाँ ये दोनों बॉक्सेस भी, ठीक है। सो पहले आते हैं अपन इधर, जो कि है हमारा CPU। सो ये UMAX का CPU है और इसके अंदर NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है। सो स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं, सो स्पेसिफिकेशन बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है और इसके अंदर 8GB हमारे पास इसकी रैम है। सो मतलब काफ़ी ठीक ठाक आ जाती है वीडियोस वगैरह भी, और एडिटिंग का प्रोसेस भी इसमें काफ़ी इजीली हो जाता है, और स्टोरेज इसके अंदर काफ़ी अच्छी है। सो पर मेरा रखा हुआ है मेरा फेवरेट JBL। सो ये स्पीकर मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट स्पीकर और मुझे काफ़ी पसंद है, और इसकी बेस भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सो इसको अपन ये रखते हैं, और अभी अपन आते हैं इस पर।
सो ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पर हमने एक फ्लावर पॉट रखा। सो अब आते हैं अपन इस वाली फ्रेम पे। सो यहाँ पर मैंने कुछ कोट्स को फ्रेम कर रखा है, जैसे कि लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। सो दूसरा आपको इस वाले सेक्शन पे आते हैं अपन। सो ये वाला सेक्शन है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ इज अ फोटोग्राफी, ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये हमारी फैमिली का मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज का फर्स्ट कैमरा होता है। सो दिस इज कोडेक का कैमरा है ये, विच इज़ KB10, और ये हमारा फर्स्ट कैमरा था। ठीक है, उसके बाद आता है ये छोटा सा, आपको ये दिख रहा होगा गोरिल्ला पॉड, और ये जो ऊपर लगा हुआ है ये है कैनन का कैमरा, जो कि है डिजिटल कैमरा। सो ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा था, ये हमारा सेकेंड कैमरा था एक्चुअली। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये HCL का मेरा पहला, जब मैं 4th-5th क्लास में था तब मेरा ये वीडियो गेम हुआ करता था। और ये है हमारा हैंडी कैम कैमरा, सो ये भी डिजिटल कैमरा ही था। गाइस हम अब इस वाले बॉक्स की तरफ आते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा DSLR रखता हूँ मैं बेसिकली मेरा, ठीक है, जो कि यहाँ पर है जैसा आपको ये दिख रहा है, ये शूट कर रही है। तो ऊपर इसके हमने लगा रखा है बोया का माइक, वो भी मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा माइक है। इसके नीचे हमने यूज़ करा है हमारा जो गोरिल्ला पॉड जो हमने रिसेंटली खरीदा है वो वाला। सो हाय दोनों कैमराज, हाय हाय। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। सो उसके बाद हम आते हैं इस वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर रखा हुआ है एक ये लेंस, ठीक है। सो मतलब ये काफ़ी अच्छा लेंस है, और इसको अगर आप खोलोगे ना तो इसके अंदर आप कॉफ़ी पी सकते हो। सो गाइस ये एक कॉफ़ी मग है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये भैया लेंस के शेप में, इतना अच्छा कॉफ़ी मग। सो गाइस आई हैव माय 70mm लेंस विच इज़ फ्रॉम Nikon, और दिस इज़ VR लेंस है। तो इससे मैं अपनी बर्ड्स फोटोग्राफी करता हूँ। मेन है भी हमारा एक SD कार्ड, जो कि है 4GB का SD कार्ड, ठीक है, नॉर्मल आवाज़, ठीक है सर। ये 4GB का मेमोरी कार्ड है और 16GB का मेमोरी कार्ड, जिससे हम शूट करें, ठीक है। अब आते हैं हम इस साइड पे, थोड़ा सा इधर आइए। यस, सो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो ये है हमारा मॉनिटर, विच इज़ डेल का मॉनिटर, जो कि हमने अभी रिसेंटली परचेज किया था। और साथ में है ये हमारे गेमिंग कीबोर्ड, विच इज़ अ मैनुअल गेमिंग कीबोर्ड एंड अ माउस, फुल्ली RGB लाइट्स, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर भी हमने RGB लाइट्स लगाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके ऊपर मैंने अपने जो Nikon के, और मैंने ये किए अपने स्ट्रैप। अब आते हैं इस तरफ, तो ये रखे हैं कुछ बॉक्सेस, और ये हमारा पुराना वाला ट्राइपॉड, मतलब गोरिल्ला पॉड बॉक्स, विच इज़ बोया यूनिवर्सल माइक, विच इज़ BY-MM1, जो कि हमने हमारे कैमरे पे लगा रखा है अभी, ठीक है। सो इससे आपको जो इतनी अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी आ रही है वो इसी से आ रही है। यहाँ पर हमने अपनी एक विंडो पे हमने लगा दी हमारी ग्रीन स्क्रीन, और यहाँ पर है मेरी चेयर जिस पर मैं बैठ के एडिटिंग करता हूँ। यहाँ पर एक टेबल है जो इसी का देख रहे हैं, और ये रहा हमारा लैपटॉप, ठीक है। सो ये भी मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया था, ये है लेनोवो का लैपटॉप, और ये काफ़ी अच्छा है, लेनोवो Slim 3, IdeaPad Slim 3, और इसकी आपने अनबॉक्सिंग देख ली थी जब मैं ये लाया था। सो वो वीडियो भी आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगी, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर मेरी वॉच रखी हुई है, यहाँ पर ये पेन स्टैंड है, ये मेरी बॉटल है, चार्जर, और ये मेरा मीडियो डुओ पॉड। गाइस कैमरा एंगल चेंज बिकॉज उसका हाथ दुख रहा था, तो मैंने ये को लेना पड़ा, ठीक है। वो ये हाथ दुख रहा है, ठीक है। सो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है मेरा अभी जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है, ये मेरा कैमरा बैग है। सो दिस इज फुल्ली फंक्शनल कैमरा बैग, इसमें सारी चीज़ें इसके अंदर, ट्राइपॉड साइड में मतलब रखा जा सकता है। ये सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा, ये हमने बनवाया है, ये हमने खरीदा नहीं, आपको दिख जाएगा। ये एक रिंग लाइट कह सकते हो, वैसे रिंग लाइट ही है, स्मॉल रिंग लाइट, स्मॉल रिंग लाइट, बट इसकी लाइट इज वेरी नाइस गाइस। जो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा है ना, इससे बहुत अच्छी लाइट आती है, और ऐसी हमने दो बनवाई है। ये छोटा नहीं है, बस इसको हमने ऐसे नीचे कर रखा है, हमारा स्टूडियो, स्टूडियो का टूर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओ भाई साहब, कितना अच्छा लगा, देखो, ठीक है। सो गाइस ये है हमारा स्टूडियो, आई थिंक अब आपको शांति मिली होगी कि फाइनली हमारा स्टूडियो टूर देखने को मिल गया। हाँ, और अगर आपको अब देखो दिख गया ना, अच्छा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और एंड भी करवाया था। हाँ, वो मैं आपको बताना भूल गया, तो दिखा इसके अंदर पहले काफी पिंक कलर का पेंट था, तो अब इसको हमने व्हाइट और ग्रीनिश में करा है। सो गाइस
लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल कमेंट तो क्या करना करो यार कि वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ही नहीं करो कमेंट करो आपको अच्छी नहीं लग रही वो भी कमेंट करो अच्छी लग रही है तो रूम को अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं लगा तो डिसलाइक कर चल जाना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो भी लाइक करना सो गाइस बाय बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट